नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कुल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और हर मनुष्य का एक अपना अधिकार होता है, और इस अधिकार की संरक्षा के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं, जिनमें से एक है मानव अधिकार प्रोटेक्शन, जो बाखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभा रही है। कल्याणश्री में मानव अधिकार प्रोटेक्शन के राष्ट्रीय राज्य अध्यक्ष सर बिहार प्रभारी आचार्य संतोष कुमार पांडे के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया, जहाँ पे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीएस गुप्ता भी उपस्थित थे। तो अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पे उपस्थित लोगों को मानव अधिकार के बारे में काफ़ी विस्तार से समझाया और उन्हें बताया कि किस तरह से संघर्ष करना है। वहीं आचार्य संतोष कुमार पांडे ने अध्यक्ष महोदय का काफ़ी भव्य स्वागत किया। दोस्तों, आपको बता दें कि आचार्य संतोष कुमार पांडे, जो काफ़ी समय से समाज सेवा के साथ जुड़े हुए थे, अभी मानव अधिकार प्रोडक्शन के पश्चिम बंगाल राज्य अध्यक्ष हैं और बिहार और झारखंड का प्रभार भी संभाल रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस सभा में और जानते हैं मानव अधिकार को और विस्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करते हुए पहुंचे। हाथ ताली में कमी नहीं होना चाहिए। मैं उनसे अनुग्रह करता हूं, वो भी आए। हाथ ताली के साथ स्वागत किया जाए। स्वागत में कोई कमी नहीं। रोहन राम जी, आप आए, स्टेज संभालें और मैं भी सर को अभिवादन करूं। अंकित केसरी लाइन में रहे, मुकुल सिंह जी लाइन में रहे, अनिल हाथ ताली में कमी नहीं होना चाहिए। यही तो है जो दुख दर्द में सपोर्ट करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्पमाला, शांति देवी जी जो जिला अध्यक्ष खूंटी हैं, अध्यक्ष जी को एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री गिरीश कुमार जी एवं श्री घनश्याम गुप्ता जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहांगीर आलम जी जो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के मीडिया प्रभारी हैं, मैं चाहूंगा कि वो मंच पे आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको फूल माला से स्वागत करें। जहांगीर आलम जो अभी रोजे में हैं फिर भी आज पहुंचे हैं। फोटो लिया जाए भाई। अगर क्लास भी हमने टॉप कर ली तो वो भी एक अच्छा परिणाम है, इसलिए हमारी सोच हमेशा शिखर तक होनी चाहिए। एक छोटा सा किस्सा है बच्चों के लिए कि चाहते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। एक मानव अधिकार प्रोटेक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां देश के आज लाखों लोग इस संगठन के माध्यम से अपना नाम भी कर रहे हैं और जनता का काम भी कर रहे हैं। रहा था जब मानव अधिकार प्रोटेक्शन ने जग जागरूक जन जागरूक अभियान चलाया सोशल मीडिया का, तो आज देश में बहुत परिवर्तन आया। और उस परिवर्तन की देन ये है कि पूरा इलेक्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर दुरुपयोग कुछ लोगों ने किया, लेकिन जिसका दुष्प्रभाव जनता के ऊपर नहीं पड़ा। तो ये मानव अधिकार प्रोटेक्शन की बहुत बड़ी जीत है जो हमारे जीवन में हमेशा काम में आएगी, क्योंकि हिम्मत और हौसला ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। हौसला अगर होता है तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। लेकिन आज हम जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, माताएं बहनें हैं, मेरे युवा साथी हैं, यहां से आज जब जाएंगे तो ये संकल्प लेके जाएंगे कि हमें अपने जीवन में कभी फालतू नहीं बैठना, जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि जब हम कुछ करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। मैं अपने कुछ शब्दों में लाइनें बोलूंगा। विकलांग लोगों की सेवा करना चाह रहा था, आज मुझे बेहद खुशी है कि राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हूं। मानव अधिकार प्रोटेक्शन से राष्ट्रीय संयोजक की घोषणा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी किए हैं, जो कि पूरे भारत में एक पद होता है
दिव्यांग सेक्शन से, मतलब वी डू सेटिंग आई वांट टू बट सेट फॉर द हैंडीकैप्ड यूनियन सोसाइटी 79801 उसका रेट नंबर होता है, जो वन पीस पूरे भारत में वन रैंक होता है। और मानवाधिकार प्रोटेक्शन से राष्ट्रीय संयोजक विकलांग कोटे से आज मुझे बनाया गया है, मुझे बेहद खुशी है। और मैं चाहूंगा हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री गिरीश कुमार जी, जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो आप लोगों के बीच कुछ संबोधन करें। एक बार हाथ ताली के साथ उनको स्वागत दे दें। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करना चाहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और साथ ही पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष जो कि विकलांगता के संयोजक बनाए गए हैं, राष्ट्रीय संयोजक, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, उनको बहुत बहुत बधाई। सर, सबसे पहले हमारे आसनसोल क्षेत्र में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ के लोग? मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन पहली बार में इतना सारा भीड़, और वो भी समय रात्रि का, सभी लोगों ने मुझे बैठकर लगभग एक घंटे मैंने स्पीच दिया हूँ, और सभी लोगों ने मन लगाकर मुझे सुना है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सर, आपका जो मानव अधिकार प्रोटेक्शन है, ये कब से चला रहे हो? मानव अधिकार प्रोटेक्शन सन 2014 में रजिस्टर्ड हुआ था, और तभी से अभी तक लगभग 5 वर्ष इसको संगठन को हो गया, और 5 वर्ष में लगभग देश के 24 राज्यों में संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सर, आपका संगठन का विजन क्या है? देखिए, मानव अधिकार प्रोटेक्शन जो उसका नाम है, वही उसका काम है, विजन भी वही है। हमारा एक ही प्रयास, उत्पीड़न मुक्त हो सारा समाज। कार्य का प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है? देखिए, मानव अधिकार को संक्षेप में थोड़ा परिभाषित कीजिए। बिल्कुल, देखिए, मानव अधिकार प्रोटेक्शन बिल्कुल अलग पैटर्न पे काम करता है। आपने देखा होगा, राजनीतिक दल के लोग जो होते हैं, वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, बाजार को बंद कराने का काम करते हैं, उपद्रव कराते हैं, लेकिन मानव अधिकार प्रोटेक्शन ये सब चीज़ें नहीं कराता है। अगर कहीं बाजार बंद कराएंगे तो भी जनता का नुकसान है, धरना प्रदर्शन करेंगे तो जनता का नुकसान है, और धरना प्रदर्शन करने के बाद सरकार में बैठे हुए सत्ता पक्ष को और प्रशासन को ये मौका मिलता है कि वो हमारे पदाधिकारियों पर लाठी भी बांध सकते हैं ना। मानव को उसका अधिकार मिले, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? वही बता रहा हूँ। तो हम ये सब बातों से परे होके और ऑन रिटर्न पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि रिटर्न कार्रवाई जब सिस्टम द्वारा होती है तो अधिकारी को भी भय रहता है, और बर्बली अगर हम लोग वैसे ही हवा में तीर चलाएंगे तो अधिकारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर बैठा है तो वो भी जनता का नौकर है, और उसको जनता का काम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुर्सी पर बैठा ला है। जनता भिन्न भिन्न तरीके के रूप में टैक्स सरकार को प्रोवाइड कराती है, और उससे उन अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है। ज़्यादातर देखा जाता है सर कि मानव अधिकार का जो सिस्टम है, ये लोगों को मालूम नहीं होता है, जिसके कारण उसे ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए, लेकर के आपकी संस्था क्या करती है? मानव अधिकार प्रोटेक्शन समय समय पर जन जागरूक अभियान चलाता है, और देखिए, एक से जब पहले एक व्यक्ति शुरू करता है तो 1 से 10 को पता चलता है, जब 10 लोग करते हैं तो 1000 को पता चलता है, ऐसे आज 5 वर्ष में लाखों लोगों को देश के अंदर मानव अधिकार प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी है, और अनेकों देश में लोग जो हैं इससे सुरक्षा, अपने अधिकार, जैसे चिकित्सा से संबंधित गवर्नमेंट की अनेकों योजनाएं जो पारित होती हैं उनको नहीं पता होता है। मानव अधिकार प्रोटेक्शन के कार्यकर्ता देश में भिन्न भिन्न जनपदों में जनता तक उन योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त कराते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, और प्रयास रहता है कि उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। आपके संस्थाओं द्वारा कितने लोगों को अभी तक जागरूक किया है? अनगिनत लोगों को जागरूक किया, मैंने कहा लाखों की संख्या है। ऐसा बड़ा काम जो आपकी संस्था द्वारा किया हुआ? बड़ा काम आप किसको कहते हैं? बड़ा काम जनता का अच्छा काम जो भी हो रहा है, जनता के हित में हो रहा है, हम उसको बड़ा काम मानते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता है,
काम सभी बड़े होते हैं, क्योंकि देखिए अभी कुछ समय पहले बिहार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है एक बच्चा गायब हो गया। 1.5 महीने तक उस बच्चे की FIR तक नहीं हुई। हमारे पोर्टल पर उसका पूरा डिटेल पड़ा हुआ है। और जब मानव अधिकार प्रोटेक्शन पर यह प्रकरण आया तो मेरे साइबर सेल प्रभारी जो कि नोएडा में बैठते हैं उनको मैंने निर्देशित किया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से सीधा संवाद किया और बच्चे को 18 घंटे में प्रशासन ने बरामद किया और उसके परिवार को सौंपा। तो ये बहुत बड़ा काम है और जो अभी भी हमारे पोर्टल पर चल रहा है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश जो लोगों को आप देना चाहें? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मानव अधिकार प्रोटेक्शन का गठन पश्चिम बंगाल में हो चुका है और लगभग 1 वर्ष से हमारे आचार्य संतोष कुमार पांडे जी पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और सह राज्य प्रभारी बिहार के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। और आज मानव अधिकार प्रोटेक्शन के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय महत्वपूर्ण लिया जो आज इस कार्यक्रम के मंच के माध्यम से आचार्य संतोष कुमार पांडे जी के काम को देखते हुए उनके काम से प्रसन्न होते हुए उन्हें एक अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी भी आज सौंपी गई है, जिसमें आचार्य संतोष कुमार पांडे जी को मानव अधिकार प्रोटेक्शन दिव्यांग प्रकोष्ठ कह लीजिए या विकलांग प्रकोष्ठ कह लीजिए, क्योंकि हमारे देश में विकलांगों की बहुत समस्या रहती है और विकलांगों की समस्या का समाधान कराने के लिए हमारे आचार्य संतोष कुमार पांडे जी बहुत सक्षम हैं और उनकी सक्षमता को देखते हुए मैंने आज उनको मानव अधिकार प्रोटेक्शन विकलांग प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। साथ ही साथ मेरे साथ उत्तर प्रदेश से पधारे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यक्ष हमारे गिरीश कुमार जी जो मेरे साथ मौजूद हैं और उनका भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा मानव अधिकार प्रोटेक्शन द्वारा जनता को एक रिलीफ जो कहते हैं ना उनके काम में रिलीफ दिलाने का काम इनकी टीम ने किया है। उनसे भी प्रसन्न होकर आज उनका भी प्रमोशन इस मंच के माध्यम से किया गया है। आज उन्हें गिरीश कुमार जी को मानव अधिकार प्रोटेक्शन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर मैंने घोषणा की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत दोनों लोगों को बधाई देता हूँ और जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जनता ये जान ले कि मानव अधिकार प्रोटेक्शन का गठन और मानव अधिकार प्रोटेक्शन आपके पश्चिम बंगाल में बहुत सक्रिय हो चुका है और अब कोई भी जनता यानी आम जनता महिला अपने अधिकारों को पाने से वंचित नहीं रहेगी। जहाँ भी उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं उनका काम अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारे संगठन के द्वारा बने हुए कार्यालय पर वो लिखित रूप में अपनी शिकायत को दर्ज कराएं, हमारे कार्यकर्ता हमारे संगठन के पदाधिकारी उनके अधिकारों को प्राप्त कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं और प्रयासरत रहेंगे। सर, एक बात, पूरे देश में कई मानव अधिकार संगठन संचालित हो रहे हैं जिसमें से कई संगठन लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, यानी कि साफ शब्दों में कहें तो फर्जीवाड़ा। ऐसे में लोग सही का चुनाव कैसे करें? लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, संगठन ये बात सही है बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगभग 4067 संगठनों को जो इसी तरीके का जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिन्होंने एक बिजनेस बना रखा था, उनको रद्द किया है, उनको नोटिस भी पहुंचा है। लेकिन कहते नहीं है कि सरकार है और सरकार का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूसपन रहता है और कोई जब समाज सेवा करता है तो उसका विरोध हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि समाज सेवा तो हम भी चाहते हैं ना कि समाज के लोगों की सेवा हो। तो ये तो जनता को देखना है कि कौन सा संगठन कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन से पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, उस संगठन का वो सहयोग करें, उस संगठन में वो शामिल हों और ये देखें कि संगठन जो सक्रिय है, जो काम कराने में सक्षम है, उस संगठन के साथ वो रहें, उस संगठन को सहयोग करें। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अशोक स्तंभ, इस तरह का चीजों का इस्तेमाल और आयोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो आज होता है, देखिए कहां तक सही मानते? देखिए मैं आपको बता दूं, आयोग जो शब्द आप कह रहे हैं, आयोग शब्द ये गवर्नमेंट शब्द है जी। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आयोग लिखने का अधिकार केवल गवर्नमेंट ने उन्हीं को दिया है। दूसरा आपने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई लगा रहा है प्राइवेट संस्था वाला तो निसंदेह फर्जी है, आप भी समझदार हैं, निसंदेह फर्जी है। अगर वो लगा रहे हैं तो रजिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा सकते हैं, यानी मान्यता प्राप्त भारत सरकार। अगर उनका वास्तव में भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन है तो मान्यता प्राप्त भारत सरकार वो लगा सकते हैं। अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो निसंदेह फर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। इनके खिलाफ आप लोग कुछ तरह का आवाज उठाते हैं? देखिए, अगर हमारे पास साक्ष्य सहित पेपर वर्किंग में अगर कोई एविडेंस आता है तो मानवाधिकार प्रोटेक्शन कार्रवाई करने में सक्षम है और करेगा। सर, राज्यों में ये काम कर रहा है बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो सर, अब जब किसी भी मतलब व्यक्ति को जब आप पोस्ट देते हैं, बड़ा पोस्ट, तो सर किन बातों का ध्यान रखते हैं, उसका आप चयन कैसे करते हैं पूरी इंडिया लेवल पे? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी के बाद जब किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर दारोमदार होता है जी, कि वो इस मतलब अपने पोस्ट का कैसा इस्तेमाल कर पाए, उसका संचालन किस ढंग से कर पाए। तो सर किन तरह की चीज़ों को मतलब ध्यान में रखकर? देखिए, जिन लोगों को महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, जैसे आज मैंने आचार्य संतोष कुमार पांडे जी को जो जिम्मेदारी दी है जी, तो उनको देखा मैंने, एक साल से वो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि बिल्कुल निर्भीक होकर और साफ सुथरे ढंग से जनता का काम आचार्य संतोष कुमार पांडे जी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो पद होता है उस व्यक्ति का हम लोग ये चयन जरूर करते हैं कि वो व्यक्ति सबसे पहले क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि जनता का काम वही कर पाएगा, अधिकारी को फेस वही कर पाएगा जो व्यक्ति गुणवान होगा, जो व्यक्ति वास्तव में पढ़ा लिखा होगा। ये चीज़ हम लोग चयन करते हैं और उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखते हैं कि वो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है। अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है तो हम लोग मानवाधिकार प्रोटेक्शन में उसको एंट्री नहीं कराते हैं, ये हमारा देखने का काम। कहने का मतलब ये है कि जो मानवाधिकार प्रोटेक्शन में जिन चीज़ों की दरकार होती है और जो चीज़ें मानक पैमाना होती है, वो सारी चीज़ें संतोष कुमार पांडे में आपने वो चीज चयन किया, बिल्कुल, उसके पश्चात आपने इस पोस्ट को जी इनको सौंपा, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने डिसीजन लिया संतोष कुमार पांडे जी का, मानव अधिकार प्रकोष्ठ का उग्रान कोटा का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, तो ये डिसीजन सिर्फ आपने ही लिया या सभी से बैठक करके? नहीं, हमारी कोर कमेटी रहती है, मानव अधिकार प्रोटेक्शन की राष्ट्रीय कोर कमेटी है, और जब हम वहाँ से इस राज्य का दौरा करने के लिए चले तो विकलांगों के स्तर पे काम करने के लिए संयोजक एक सचिव के रूप में काम करते हैं। तो विकलांगों के स्तर पे, क्योंकि खुद आचार्य संतोष कुमार पांडे जी बहुत मेहनत मशक्क़त करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, और अपने आप में खुद भी वो दिव्यांग हैं, और दिव्यांगों का काम किस तरीके से डिपार्टमेंट से कराया जाता है इसकी रास्ताएँ वो बहुत भली भांति जानते हैं। और उसके अलावा आप आचार्य भी हैं, PhD किए हुए हैं, तो हमें विश्वास भी है कि मानव अधिकार प्रोटेक्शन की जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो उसका निर्वाह करने में सक्षम रहेंगे, और यही हमारा अपेक्षा रहेगी उनसे। ओके, धन्यवाद सर। आज आप लोगों का क्या प्रोग्राम था यहाँ? जी, आज मानव अधिकार प्रोटेक्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जी आए हैं, उन्हीं का स्वागत समारोह था। एवं हर साल आकर के मुआवजा करते हैं, दौरा करते हैं, देखते हैं कि कौन सा राज्य में हमारा कैसा काम हो रहा है। उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत खुशी है, हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। एक मीटिंग था मानवाधिकार प्रोटेक्शन का। जी बताएं। और आप तो संस्था के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष और बिहार प्रभारी हैं जी, सुने आज कोई नया वीप पोस्ट दिया गया आपको? जी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जी राष्ट्रीय संयोजक दिव्यांग सेक्शन से, मानवाधिकार प्रोटेक्शन से दिव्यांग सेक्शन से राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं। बेहद खुशी है, उत्साह है कि राष्ट्रीय लेवल पे। अपने चैनल की तरफ से भी आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सर। ये मानव अधिकार का मतलब क्या है, मतलब किस तरह का काम करते हैं आप लोग? मानव के अधिकार के लिए काम करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो BA किए हुए हैं लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो लगेगा कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो 8वां पास है लेकिन जब आप उससे बात करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे वो डबल BA किया हुआ हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मानव अधिकार में सबको समान अधिकार दिलाना, कि जो BA किया हुआ है उसको भी बताना कि आप BA किए हुए हैं लेकिन लड़खड़ा रहे हैं, और जो 8वां पास किए हुए हैं उसको भी बताना कि आप जो इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, आपकी जो ये काबिलियत है, कैपेसिटी है। देखिए, भाग्य बचाता है एक बार लेकिन समझदारी बचाती है बार बार।
सर आप तो बिहार और बंगाल दोनों जगह संभाल रहे हैं राज्य को, जी तो दोनों राज्यों में अंतर क्या लगता है आपको? बिहार और बंगाल में ये राज्य है कि खास करके आपके क्षेत्र में जो आपको मानवाधिकार क्षेत्र है। बिल्कुल सत्य, आप पूछिए मैं बताऊंगा, ये दिल की बात है और ये आपका ये हक है पूछना और आम जनता को भी जानना इसका अधिकार है। बंगाल में मैं बंगाल में भी कार्य कर रहा हूँ, बंगाल दिखाने में बैक जा रहा है और बिहार छुपाने में बैक जा रहा है। बिहार में जो करोड़पति है वो डर से नहीं बताता कि हम करोड़पति हैं, नहीं तो अपहरण हो जाएगा। और अपहरण फिल्म भी हमारे प्रकाश झा डायरेक्टर, जिनसे मैं मिलता हूँ जाता भी हूँ। मानवाधिकार की समस्या क्या लगती है? मानवाधिकार की समस्या ये है कि मानवाधिकार में दोनों जगह काम हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं, बंगाल में भी अच्छे काम हो रहे हैं, बिहार में भी अच्छे काम हो रहे हैं। मानवाधिकार के लिए क्या, जो भी हनन हो रहा है वहाँ हम लोग पहुँचते हैं, जहाँ से भी लिखित शिकायत आता है वहाँ हम जाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग बोलते हैं कि मुझे सपोर्ट कीजिए, जब मैं उनको लेके थाना जाता हूँ और वो इंस्पेक्टर या बड़ा बाबू उनको थोड़ा धमकाते हैं कि क्या बात है, तो बोलते हैं नहीं सर किछु बात छिलो नहीं हमार। तो इसीलिए हम लोग कहीं से लिखित आता है तभी एक्शन लेते हैं और जाते हैं। यानी दो दो आपको पहले से पद था जी, चूंकि अब तीसरा मिला जी, तीसरा के लिए आपका विजन क्या है, इस क्षेत्र इस दिशा में कैसे काम करेंगे? जी जैसे होदला बथानबाड़ी धनुदी कोडोबीटा नकड़ा जोड़िया हमारे लोकल एरिया है, काफ़ी सारे दिव्यांग हैं और मैं पहले भी दिव्यांगों का लिस्ट बना चुका हूं। हमारे इस एरिया में कितने दिव्यांग हैं, कितने विकलांग हैं, डोर टू डोर जाएंगे क्योंकि मैं भी दिव्यांग हूं, डोर टू डोर जाएंगे। उसके लिए आपकी तरफ से क्या सेवा रहेगी? हमारे तरफ से ये सेवा रहेगी, उसको कष्ट क्या है पहले ये देखना है, मरने से पहले भूत बनना बोलना उचित नहीं है, उनसे मिलना है, उसके कष्ट को जानना है। अभी जो फिलहाल कष्ट आ रही है, एक विकलांग का क्या कष्ट हो सकता है? हाँ ज्यादा कष्ट समस्या होती है। बिल्कुल, एक विकलांग को ज्यादा समस्या है कि उनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है, वो दौड़ रहे हैं, कभी ये नेता कभी वो मंत्री कभी ये नेता, कहीं से उनको आश्वासन मिल रहा है क्योंकि वो लोग तो मैं ये बता नहीं सकता, लेकिन ज्यादा कष्ट यही है कि उनके पास सर्टिफिकेट की कमी है, अभाव है, पर्याप्त मात्रा में धन नहीं मिल रहे हैं, जो उनको सरकार की तरफ से दिव्यांग पेंशन होती है जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, गिड़गिड़ा रहे हैं। अच्छा आप तो ज्योतिषाचार्य हैं, लोगों के हाथ देखते हैं, भविष्य बताते हैं जी, तो आपको क्या भावना जगी कि आप मानव अधिकार क्षेत्र में आ गए? एक्चुअल हमने क्या देखा कि जातिवाद समाज में ज़्यादा हो रही है, कहीं भी जाने से लोग समझ नहीं पाते हैं क्या है नहीं है, तो एक मानवता के नाते मैंने सोचा कि प्रोटेक्शन लिया जाए, तो प्रोटेक्शन में मुझे मानव अधिकार प्रोटेक्शन याद आई, हमारे सिप्रा चक्रवर्ती जी जो उड़ीसा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने मुझे समझाया बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मानव अधिकार प्रोटेक्शन में आया हूँ, मन से काम कर रहा हूँ और मैं आशा देता हूँ कि दिव्यांग सेक्शन में आज मेरा पदोन्नति हुआ है, मैं दिव्यांग सेक्शन को भी प्रोटेक्शन दूंगा और सब जानकारी दूंगा भेदभाव बिना रखे हुए। संस्था को आगे बढ़ाने मतलब संगठन बढ़ाने में जी, और लोगों को जागरूक करने के लिए आपका क्या रणनीति है? लोगों को जागरूक करने में और संस्था बढ़ाने में सबसे पहले तो प्रचार प्रसार हमारा है, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अभी साल भर हुआ है, काफी सारे 1200 लोग जुड़ चुके हैं, जो कम नहीं समझा जाए इसको, बिहार में भी अच्छे काम हो रहे हैं, बंगाल में भी अच्छे काम हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो जाएंगे मुझे आशा है। एक आखिरी सवाल और मैं ये कहूँगा कि जैसे आप दिव्यांग भी हैं और फिर उसके बाद आप ज्योतिषाचार्य भी हैं और 2-3 प्रभार भी संभाल रहे हैं, तो सर इतनी एनर्जी इतनी कैपेसिटी कहाँ से लाते हैं आप? एक आदमी के लिए इतना पोस्ट को निर्वहन करना काफ़ी मुश्किल की बात है, फिर भी आप बखूबी अंजाम भी देते हैं, तो इसके बारे में बताएं। जी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। बचपन में मुझे बोला जाता था कि लंगड़ा घोड़ा और लंगड़ा बेटा कोई काम का नहीं है, मैं रोता था क्योंकि दिव्यांग था, 60% दिव्यांग हूँ, रोता था और मुझे उसी समय सहानुभूति हुई और मैंने कहा कि हे ऊपर वाला आप मुझे ऐसा कुछ करें जिससे मैं चलूं और लोगों को बता पाऊं कि लंगड़ा घोड़ा भी दौड़ता है और लंगड़ा घोड़ा भी कोई कार्य कर सकता है और जीतता भी है और जीतता भी है। और जाते जाते आप जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दिव्यांग लोगों के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि वो घबराएं नहीं, आज हमारा मानवाधिकार प्रोटेक्शन से मैं राष्ट्रीय संयोजक बना हूं, आप लोग हमसे जुड़ें और जुड़ेंगे तभी काम होगा, मेल होगा तभी मेला लगेगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जब आपका मेल होगा तभी मेला लगेगा, कहीं भी मेला लगता है तो वहां पहले मेल बनता है, कोर कमिटी बनता है, वहां मेल होता है उसके बाद ना मेला लगता है, तो पहले मेल होता है तब मेला लगता है। जी धन्यवाद सभी को, आप मीडिया लोगों को सभी को दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं, खास करके CFM चैनल के माध्यम से, सलानपुर न्यूज के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद।